हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट के जो परमानेंट डिलीट का प्रोसेस है उसके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने कमेंट किया इसके बारे में, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था एंड उसमें जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखाया था वो बहुत पुराना हो चुका है एंड इंस्टाग्राम ने जो प्रोसेस है वो चेंज कर दिया है, तो वो काम नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया टेक्निक के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके जरिए आप परमानेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो मोबाइल में देखने वाले, क्योंकि लैपटॉप बहुत लोग यूज नहीं करते, मोबाइल में ज्यादा लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, तो मोबाइल में हम लोग देखने वाले। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं। ओपन होने के बाद आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट पेज को ओपन कर सकते हैं। ये पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले वाला लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट योर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक नया पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका जो आईडी है उसको लॉगिन करना है। बहुत ही सिंपल है, जो आईडी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो सेम आईडी को यहाँ पर लॉगिन करना है। इंपॉर्टेंट चीज, आपको पासवर्ड याद नहीं है तो उसको रिसेट कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट योर अकाउंट। यहाँ पर एक रीजन, कौन से रीजन की वजह से आप अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, इसके वजह से आप अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप अकाउंट को डिलीट नहीं करना चाहते हो, टेम्पररी डिसेबल करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप डिलीट करोगे तो आपके अकाउंट का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेता हूं। उसके बाद आपका जो अकाउंट का पासवर्ड है उसको फिर से रीएंटर करना है। पासवर्ड रीएंटर करने के बाद इजीली डिलीट आपका जो यूजर आईडी है वो शो होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। इसमें एक डेट दिया जाता है, उस डेट के अंदर आप इस अकाउंट को चाहते हो फिर से रिकवर करना तो आप रिकवर कर सकते हो, बट वो डेट क्रॉस हो जाता है, उसके बाद इस अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकते, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो इंस्टाग्राम आप सब लोगों को थोड़ा सा टाइम देता है सोचने के लिए आप अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो या नहीं। और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप चाहते हो आपका अकाउंट को टेम्पररी डिसेबल करना, कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आपका फॉलोअर्स है, जो भी आपका फोटो वीडियो रहता है वो आपके अकाउंट में सेव रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। परमानेंटली डिलीट करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप चाहे तो एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम का जो टीम है वो आपको एक मेल कर देगा, उसके थ्रू आप सारे फोटो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए एंड इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं और एक नए वीडियो में।